जिलाधिकारी ने किया खेमपुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का औचक दौरा। जिलाधिकारी ने बच्चों को दी सामान्य ज्ञान की जानकारी। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन बच्चों की उपस्थिति बढ़ाएं। जिलाधिकारी आंजन्य कुमार सिंह ने तहसील सवार स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेमपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने छठी कक्षा के बच्चों से उनके विषय के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए भारत का मानचित्र बनाकर उसे पड़ोसी देश और महासागर के बारे में सवाल पूछे तथा बच्चों को पढ़ाते हुए जिलाधिकारी ने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सामान्य ज्ञान दिया। उन्होंने उपस्थित बच्चों से कहा कि बच्चे अपना लक्ष्य के प्रति गंभीर बने। यह तभी संभव होगा जब बच्चे अनुशासन में रहकर कार्य करेंगे। अनुशासन में रहकर ही लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि शारीरिक विकास के लिए व्यायाम और खेलकूद बहुत ही अहम है। इससे शरीर का विकास सही ढंग से परिपूर्ण होता है। साथ ही बच्चों को मानचित्र के माध्यम से दिशाओं के बारे में बताया। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने मिड डे मील के मेन्यू तथा बच्चों की उपस्थिति के बारे में पूछताछ की, जिस पर प्रधान अध्यापक नेत्राम ने बताया कि कक्षा छठी से आठवीं तक 370 विद्यार्थियों में से 254 तथा नौवीं व दसवीं तक 206 छात्रों के सापेक्ष 154 बच्चे उपस्थित हैं। स्कूल की समस्या पर उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि स्कूल में स्टाफ की कमी, भवन की मरम्मत, विद्युत आपूर्ति की समस्या है, जिस पर जिलाधिकारी ने स्कूल प्रबंधक, जिला विद्यालय निरीक्षक को समस्याओं का निस्तारण कराने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों की उपस्थिति में बढ़ोतरी के लिए उनके अभिभावकों से संपर्क करके उनके अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए कहें तथा उन्हें बेहतर शिक्षा का माहौल प्रदान करें। लेकिन क्या वजह क्या है सर? एक तो बारिश में नाले जाम है, पहले सफाई नहीं हुई प्रॉपर जो होनी चाहिए थी, और संचारी रोग का हम लोग लगातार संचारी रोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अब इस नाले पे बहुत सारे लोगों ने खोखे लगा रखे हैं, वहीं पे लोग बैठ के खाते हैं, नाले पूरा जाम पड़े हैं। एक तो बीमारी फैलने का अंदेशा है, और ये लोगों के हित में है कि नाले पर कुछ भी न रखें। नाले से गंदा पानी बहता है और पता नहीं कितनी बीमारियों को लेके आगे बढ़ता है, तो उससे बड़ा नुकसान उनका होना है। तो हमें शहर का अगर के गंदे पानी की निकासी करनी है तो ये जरूरी है। दूसरी चीज ये कि जन्माष्टमी के अवसर पर ये शुरुआत करने की वजह एक जल शक्ति अभियान भी हमारा चल रहा है, और जल शक्ति अभियान के तहत हम जितना जल का संचय करते हैं उतना ही जरूरी है कि हम गंदे जल की निकासी का भी प्रबंध करें और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करके उसको सही जगह पे निस्तारित करें। नाले जाम है, पहले सफाई नहीं हुई प्रॉपर जो होनी चाहिए थी, और संचारी रोग का हम लोग लगातार संचारी रोग के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। अब इस नाले पे बहुत सारे लोगों ने खोखे लगा रखे हैं, वहीं पे लोग बैठ के खाते हैं, नाले पूरा जाम पड़े हैं। एक तो बीमारी फैलने का अंदेशा है, और ये लोगों के हित में है कि नाले पर कुछ भी न रखें। नाले से गंदा पानी बहता है और पता नहीं कितनी बीमारियों को लेके आगे बढ़ता है, तो उससे बड़ा नुकसान उनका होना है। तो हमें शहर का अगर के गंदे पानी की निकासी करनी है तो ये ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये कि जन्माष्टमी के अवसर पर ये शुरुआत करने की वजह एक जल शक्ति अभियान भी हमारा चल रहा है, और जल शक्ति अभियान के तहत हम जितना जल का संचय करते हैं उतना ही ज़रूरी है कि हम गंदे जल की निकासी का भी प्रबंध करें और उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करके उसको सही जगह पे निस्तारित करें। तो ये अभियान उसी का एक हिस्सा है कि हमने एक शुरुआत की है। हालांकि काम बहुत बड़ा है और अभी इसमें बहुत सारे काम किए जाने हैं, पर आज एक शुरुआत हुई है तो लगातार एक हफ्ते अभियान चलेगा, और मुझे लगता है कि एक हफ्ते के अंदर हम लोग काफ़ी कुछ करने में सफल होंगे। सर, रामपुर के DM के हाथ में फावड़ा है, अधिकारी हित के जा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सारे लोग करेंगे। एक लीडरशिप की बात है। देखिए, हमारे जो लड़के लीडर तो बोल अच्छी कर रहा है, लेकिन साथ नहीं सारे करेंगे, हमारे इसी श्रमदान के लिए ही इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो लड़के इस नाले में उतर के कर रहे हैं वो भी हमारी तरह इंसान हैं, और हमें भी उसी तरीके से ये फील एक आनी चाहिए कि हम जब उनको कोई जिम्मा देते हैं तो कितना कठिन और कितना आसान वो चीज़ होती है, उसके लिए भी एक फील देने के लिए भी ये ज़रूरी है और एक मैसेज देने के लिए भी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।